जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कलर ग्रीन कलर देते हैं, वो उसके अंदर हमने कुछ थायलाकॉइड की बात की थी कि आउटर मेम्ब्रेन सरफेस जो होती है क्लोरोप्लास्ट की, वो बिल्कुल हमवार होती है, इनर जो होती है फोल्डिंग बनाती है, और जो फोल्डिंग बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, थायलाकॉइड्स कहते हैं, और थायलाकॉइड्स के क्लस्टर्स को कुछ को मेरिस्टेम कहते हैं। उसके बाद हमने कुछ बात की थी क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो शोक रंगों के पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि अदर देन ग्रीन कलर देते हैं, ठीक है, प्लांट्स को, पेटल्स वगैरह को। थर्ड हमने बात की कुछ लीकोप्लास्ट की, थर्ड टाइप थी ये जो होता है, ये आपके पास कलरलेस आपके पास ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं और ऐसे पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर फूड स्टोर होती है, लाइक लीफ कह सकते हैं, रूट कह सकते हैं, जितना भी जड़े होती है उसके अंदर भी तो जो फूड होती है वो स्टोर होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं, इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स, चैनल्स है वो इंटरकनेक्ट, वो क्या उनका जाल है, यानी कि नालियों का जाल बना हुआ है और वो आपस में क्या इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, ठीक है। तीन दो चीजें हैं, एक दूसरे का नेटवर्क है, एक जाल है, और वो जाल कैसा है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिला हुआ जाल है, ठीक है। बहुत सारी नालियां आपस में दूसरे के साथ मिली हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वजूद का होता है। फंक्शन क्या होता है, इन्होंने लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना है, मेटाबॉलिज्म का मतलब
ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है नकल और हमल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करना, एक मॉलिक्यूल्स को दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो इनका ये भी काम होता है, मॉलिक्यूल्स को भी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्मूथ है, ये बिल्कुल स्मूथ इनकी अपीयरेंस होती है इसमें राइबोसोम्स की एब्सेंस की वजह से। और फंक्शन क्या होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, डिटॉक्सिफिकेशन है, और थर्ड इनका ट्रांसपोर्टेशन है। आप थर्ड देखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जैसा कि आपके पास है, ठीक है, नाम तो जाहिर है रफ, रफ का मतलब क्या होता है, कैर मार खुरदरा सा। तो इसमें आपकी जैसे क्या हो जाए कि इसको रफ कहा जाता है, तो इसने क्या रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रफ कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम की वजह से, राइबोसोम क्यों होता है ये देखे, ये आपको स्मूथ है इसके ऊपर इस तरह करके राइबोसोम लगे होते हैं। और हम आपको ये भी याद होगा कि राइबोसोम जो के अंदर काम क्या होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो इनके अंदर हमने बताया कि रफ होते हैं राइबोसोम की वजह से, और इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है इन्होंने प्रोटीन को बनाना है, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। तो स्टूडेंट, ये हमारे आज का टॉपिक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जरा, ये नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का। नेक्स्ट हम देखा, ये एक्सटेंड हुआ हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर एनवेलप तक एक्सटेंड हुआ है। इसके हम इसको कुछ टाइप्स देखते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ जो होता है बिल्कुल स्मूथ होता है, बिल्कुल हमवार होता है राइबोसोम की वजह से। इसके तीन काम है, एक लिपिड की मेटाबॉलिज्म, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन, थर्ड इसका होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल रफ होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स लगे होते हैं। तो इनका बेसिकली काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। थैंक यू सर।